दोस्तों कुछ भी नहीं करना, ये जो हमारा पेट का गोला है सिर्फ एक आधे मिनट में हम ठीक कर सकते हैं इसे। दोस्तों जो नाभि और धर्ण की समस्या है, इसके साथ जब लोग बात करते हैं इसके बारे में तो बहुत सारी बातें सामने आती है। कोई इसे बोलता है नाभि बोलता है, कोई धर्ण बोलता है, कोई नाप और नले, कोई कह देता है कि हमारे पेट में गोला बन गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो हमारे पेट में गोला बनता है, ये गोला कैसे बनता है, इसे हम अपने आप ही कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे भाई बहन हमने देखे हैं कि इधर उधर चक्कर लगाते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, लेकिन उनका जो पेट का गोला है वो ठीक नहीं होता। और जब भी ये पेट का गोला बनता है तब उन्हें लगता है कि हमारा पेट फूल गया है, हमारी जो नाभि या कौडी है वो हिलकर वहाँ चले गई है। क्योंकि जहाँ पर भी जो गोला सा बनता है, एक तो हमारा पेट फूल जाता है, दूसरा पेट हमारा टाइट हो जाता है, और तीसरा जहाँ पर भी जो गोला बनता है वहाँ पर धक धक की आवाज़ आने लगती है। और कई भाई बहन तो ये भी कहते हैं कि हमारे पेट में धक धक की आवाज़ आने लगी है। तो भाइयों मैं आपको बताता हूँ, ये जो नब्ज सिस्टम है ये हमारे शरीर के सारे हिस्सों में चल रहा है। हमारे सर से लेकर पाँव तक ये जो हमारा नब्ज सिस्टम है, आप जहाँ से भी प्रेस करोगे ये धक धक की आवाज़ आती रहेगी। तो पेट का ये जो हमारा वो गोला बनता है उसकी वजह से, वो फूलने की वजह से हमें जो हमारा पेट टाइट हो गया है उसकी वजह से हमें वो जो धक धक की जो हमारे नब्ज सिस्टम है उसकी पेट की जो धक धक की आवाज़ है वो सुनाई देती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो गोला है ये बनता कैसे है। दोस्तों ये जो गोला बनता है ये हमारे पेट में एक तरह का आप कह दो कि हवा भरती है या गैस बनती है। हवा जब हम पानी पीते हैं, गुट गुट करके पीते हैं, तो थोड़ी सी हवा अंदर भर जाती है, और जितनी हम चीज़ें खाते हैं या पीते हैं वो हवा अंदर जाती है। दूसरा, जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तब अंदर हमारे एसिड तेजाब, और इसके बाद इसके जो 2 या 3 मिनट के बाद ही हमारे अंदर पेट के अंदर गैस बन जाती है। ये जो गैस है ना नीचे की तरफ पास होती है ना ऊपर की तरफ पास होती है, जिसकी वजह से ये पेट के अंदर होने की वजह से वहाँ पर एक गोला सा बन जाता है। और बहुत सारे भाई बहन इस गोले की वजह से ही तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, और जो नाभि ठीक करते हैं उनके पास उन्हें जाना पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि ये जो गोला है सिर्फ एक आधे मिनट में आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो। वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जहाँ पर हम नंबर वन कंटेंट बनाते हैं जो यूट्यूब की सर्च में भी आता है और सभी की समझ में भी आता है। तो दोस्तों ज़रा ध्यान से देखना, मैं आपको कैसे बताता हूँ कि ये जो गोला बन जाता है हमारे पेट में इसे कैसे ठीक करना है। ठीक है, देखो ये जो गोला होता है कई बार कहीं भी बन सकता है, पेट के इस हिस्से से लेकर यहाँ तक कहीं भी बन सकता है। और ये जो गोला होता है वो क्या होता है कि मैंने आपको बताया है कि वो गैस या हवा होती है जो पास नहीं होती, नीचे भी नहीं पास होती, ऊपर भी नहीं पास, हमें डकार नहीं आते, जिसकी वजह से वो गोला बन जाता है। ज़्यादातर जो गोला बनता है वो जहाँ पर सेंटर पर बनता है, इसकी वजह से जहाँ पर हमें वो पेट फूला फूला महसूस होता है, कई बार हमें लगता है हमारा खाना पीना पचा भी नहीं है। जब भी आपको ऐसा फील हो तब आपने क्या करना है, आपने जहाँ पर भी वो गोला बना है वहाँ पर ऐसे दबा देना है। जैसे ही आप दबाओगे तब आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड को एक दो बार पहले दबाओ इसे। जब भी आप दबाओगे तब आवाज़ आएगी वो गोला फूटने की। ठीक है, जब भी वो गोला फूटने की आवाज़ आई आपने देखो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपने इतना इतना उंगलों का गैप रखकर इसे गोले को नाभि के नीचे ऐसे ले जाना है। जब भी आप ऐसे लेकर जाओगे ये जो गोला है ये गैस बनकर बाहर निकल जाएगा। देखा दोस्तों कितना इजी है, मैं दोबारा से आपको फिर समझाता हूँ। ज़्यादातर गोला सेंटर में बनता है, जहाँ पर कौडी होती है, यहीं पर अगर कहीं भी गोला हो वहाँ पर ऐसे ही रखना है। मान लो जहाँ पर है गोला बना हुआ है, जहाँ पर है ऐसे नीचे को दबाना है उसे, वो फूट जाएगा, आवाज़ आएगी पेट में से, आवाज़ आएगी। जब भी आवाज़ आएगी उसे इतने इतने उंगलों का गैप डालकर उस गैस को हमने नीचे ले जाना है।
देखो कितना आसान है, आप खुद ही प्रैक्टिस नहीं करते। नाभि को ठीक करना इतना आसान है, क्यों घूमते हो इधर उधर। ठीक है, इसके बाद आपने एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पर भी गोला आपके बना है दोनों हाथों से आपने ऐसे ऐसे दबाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, नीचे को ले जाना है। अरे कौन सा गोला यहाँ पर टिकेगा, कोई गोला नहीं टिकेगा। बहुत परेशान होते हैं भाई बहन, ये देखो छोटा सा गोला यहाँ पर मेरे भी बना हुआ है। अभी आवाज़ आई है, मैं पानी पीकर आया हूँ, उसकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, अगर इससे नहीं होता तो क्या करना है, लेफ्ट साइड को ऐसे लेट जाना है। ठीक है, मान लो गोला जहाँ पर है, आपने साधारण ऐसे लेटे हुए हो वहीं पर अपने उंगलों को ऐसे 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 करके नीचे ले जाना है। जब आप जहाँ पर आओगे तभी आपकी गैस पास हो जाएगी। जब आपकी गैस पास हो जाएगी तब आपका पेट रिलैक्स हो जाएगा। अरे वो गैस ही तो है जो पास नहीं होती, और जहाँ पर हमारे गोला बन जाता है पेट टाइट हो जाता है। कोई कहता है हमारी नाभि इधर को आ गई, कोई कहता है इधर को, अरे क्या नाभि को यही एक काम रह गया इधर उधर जाने को। कुछ नहीं है भाई, बस इलाज करना सीख लो, आपकी जो नाभि कौड़ी की समस्या है आदि तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। गैस को मत बनने दो, ठीक है, आपने इस तरह देख लिया ना। और रात को जिनको भी नाभि कौड़ी की समस्या है, खाना खाने के बाद हमने ऐसे ही लेटना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे लेटना है। वहाँ पर टांगों के ऊपर टांगे रख लेनी है, ठीक है, नीचे, तब आपने ऐसे लेफ्ट साइड को ही लेटना है, इसे बाएं तरफ बोल देते हैं, हाँ बाएं तरफ। तो ठीक है, अगर गोला आपके जहाँ पर, मोस्टली यहीं पर बनता है, क्योंकि जहाँ पर खाना कई बार रुकता है और जितनी भी गैस होती है यहीं से पैदा होती है, ठीक है, तो इसे ऐसे नीचे ले जाना है। ठीक है, और मैं तीसरा तरीका एक आपको और बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारे ज़्यादा गैस बनती है, ज़्यादा तेजाब बनता है, उसके लिए आपने ऐसे ऐसे मालिश कर लिया करो, जो बहुत ही अच्छी मालिश है दोस्तों। इससे हमारा जो पेट की जितनी भी अंदर की नसें हैं, मैंने इसे दबाया नहीं है, बिल्कुल हल्का है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हल्का, जितनी भी नसें हैं सारी नरम हो जाएगी और गैस घुस जितनी भी है सारी पास हो जाएगी। ठीक है, और ये जो आपके गोले की प्रॉब्लम है सारी एक आधे मिनट में, ज़्यादा नहीं है, कोई तेल नहीं लगाना, कोई मालिश नहीं करनी, बस उसे ऐसे नीचे ले जाना, ठीक है। तो भाइयों देखा आपने कितना आसान है, ये जो हमारे पेट में गोला बन जाता है, एक गैस का गोला होता है, इसे बाहर निकालना, ठीक करना, पेट को रिलैक्स करना, जितनी भी हमारी नसें हैं वो कस गई हैं उन्हें ठीक करना कितना ही आसान है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।